हेलो एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि हमारे घर में रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट होगा। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। ये मेरे पापा हैं, बुआ लोगों ने राखी भेजी थी पापा के लिए, पर वो लोग यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं इस टाइम, तो इसलिए बुआ लोगों की राखी पापा को उन लोगों की साइड से मैंने ही बांध दी है। और हमारे पेरेंट्स से बड़ा कोई प्रोटेक्टर हमारे लिए होता भी नहीं है। अब इसके बाद फिर हम लोग अपने भाई लोगों को राखी बांधेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और बने रहिए हमारे इस वीडियो में। ये मेरी मम्मी और मामा बैठे हैं, मम्मी जा रही हैं मामा को राखी बांधने। सबके घर में ऐसे ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट होता होगा, तो अगर आप कुछ यूनिक करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू टेल इन द कमेंट सेक्शन। ये हमारे घर के कान्हा हैं और सबसे पहले रक्षाबंधन हम लोग इन्हीं के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इनको अच्छे से हम लोग पूरा सजाए हैं। मेरे घर में जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो हम लोग इनको हमेशा सजा देते हैं। मीन्स इनका श्रृंगार सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। ये हमारे तीनों भाई लोग हैं, अब इन लोगों का टर्न है राखी बंधवाने का। सब तैयारी में जुटे हैं आरती और राखी बंधवाने के लिए। ये बड़ी दीदी है, सबसे पहले स्टार्टिंग इसी से होगी। हम चार बहनें हैं तो सबसे बड़ी ये है, तो सबसे पहले ये बांधेगी इन तीनों भाइयों को राखी। तो ये अक्षत रोली सारी कुछ, जैसे कि आपको पता है पहले इनको टीका वगैरह लगाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, फिर राखी बांधी जाती है, उसके बाद इन लोगों को मिठाई खिलाई जाती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके बाद जो भाई लोग जो गिफ्ट देते हैं वो लिया जाता है। इस तरह से ये हमारा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन होता है। मेनली रक्षाबंधन का मतलब है कि जब हम अपने भाइयों या फिर किसी को भी राखी बांधते हैं तो वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और फिर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो कैसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए इस फेस्टिवल की ये इम्पोर्टेंस है। और ये फेस्टिवल ऐसा है जिसे सारे, मतलब ये कोई एक हिंदुओं का फेस्टिवल नहीं है, ये बस प्रोटेक्शन के लिए है। तो ये सारे रिलीजन वाले डिफरेंट रिलीजन भी सेलिब्रेट करते हैं। रक्षा मीन्स राखी होता है, और रक्षा का मतलब होता है प्रोटेक्शन, इसलिए इसका नाम रक्षाबंधन रखा गया है। मेरे भांजी की ये सेकंड राखी है, इसे कोई मतलब नहीं है इसके क्या हो रहा है, इस राखी बन रही है इसे कोई मतलब नहीं है, इसे बस इतना पता है कि इस टाइम इसकी पूजा हो रही है और इसलिए बहुत खुश है। बाबू को किसी से कोई मतलब नहीं है, ये पंडित जी की तरह बैठ गया है और टशन में राखी बंधवा रहा है, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है। कान्हा जी के सामने राखी पड़ी है, चॉकलेट्स हैं और साथ में 100 रुपीज़ की नोट भी है, वैसे तो सभी इनका है, मिठाई भी है। हाँ, तो नोट्स इनके हाथ से गिर चुकी है शायद हमारे लिए। तो कैसा लगा आपको हमारा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. प्लीज़ सपोर्ट. एज यू नो इट इज़ आर फर्स्ट डेली ब्लॉग, सो प्लीज़ सपोर्ट अस. और हम अपने चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए. टिल देन स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय. टेक केयर एवरीवन.